इतना कुछ दिया है, अब नाउ इट्स माई टर्न कि मैं झारखंड को कुछ वापस दूँ. और छोर से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था, तो मैं चाहती थी लोग जाने. मेरे एक्टिंग स्किल्स बहुत बुरे हैं और मुझे याद है मेरी बहन मुझे कहती है कि तुम कुछ भी कर लेना स्टेज पे, एक्टिंग मत करना. देयर विल बी डेज वेयर यू वोंट वांट टू वेक अप, देयर विल बी डेज वेयर यू वोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव लव्ड टू डू. जस्ट कीप गोइंग बिकॉज व्हेन यू लुक बैक इट विल बी ऑल वर्थ इट. जोहार, नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है. मेरा नाम है सुभाष शेखर. महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा. इन्होंने रांची ही नहीं बल्कि झारखंड का नाम रोशन पूरे देश पूरे दुनिया में किया है. आज ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलाएंगे जो रांची की रहने वाली हैं और ग्लैमर की दुनिया में पूरे देश में आज नाम रोशन कर रही हैं. और ख़ास बात यह है कि झारखंड की परंपरागत चीज़ों को आगे रखते हुए ये नाम रोशन कर रही हैं. हम बात कर रहे हैं तान्या सिन्हा की. तान्या सिन्हा ने मिस ग्लोब इंडिया का खिताब जीता है. तान्या, लोकल खबर में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. सबसे पहले बधाई आपको. थैंक यू. इतना बड़ा खिताब आपने जीता और पूरे देश में पूरी दुनिया में आज आपका नाम हो रहा है. थैंक यू सो मच. और मुझे लगता है कि इट टेक्स अ होल टीम टू मेक अ ब्यूटी क्वीन एंड it's not something that I've done alone. There were a lot of people behind and I would like to thank each one of them jo mere sath the aur jinhone meri madad ki yahan tak pahunchne ki. kinhone madad ki? sabse pehle to meri mummy. ha. She supported me my entire life. I am who I am because of who she is. aur uske alawa mere friends, they have always been there for me. aur jharkhand ke log, sare log jinhone is cheez ko samjha. jharkhand ek bahut chhota shehar hai aur लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जब लोग ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं. पर मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जब मैंने शुरू किया था तब से लेकर अभी तक. मुझे मैं श्योर हूँ कि आगे भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी. शुरुआत कैसे हुआ, कैसे आपको लगा कि आपको ब्यूटी क्वीन बनना चाहिए, ग्लैमर की ओर आगे बढ़ना चाहिए? मैंने शुरुआत की थी व्हेन आई वाज 17 और मेरी मम्मी ने मुझे मेरे फर्स्ट पेजेंट में भेजा था. शीज़ लाइक कि जाओ देख लो, मज़ा ही आएगा स्टेज पे. और मैं हमेशा से डांस और इन चीज़ों में बहुत आगे रहती थी स्कूल में. तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई वाज इन द स्टेज आई न्यू कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. मुझे यही करना है और मैं आगे यही करना चाहती हूँ. तो शुरुआत वहाँ से हुई. उसके बाद सफ़र लंबा था पर इट वॉज़ वर्थ इट. ये कैसे जहन में आया कि यहाँ का जो परंपरागत छौ नृत्य है उसको साथ लेकर चला जाए? जब मैं स्कूल में थी तो मैंने यूथ फेस्टिवल में एक डांस किया था जिसमें मेरी डांस टीचर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था छौ से. और जब हमारे कॉम्पिटिशन में ये बात हुई कि हमें अपना नेशनल कॉस्ट्यूम कुछ भी अपने स्टेट का या समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया वो बाहर लेकर आना है, तब मैंने सोचा कि झारखंड ने मुझे इतना कुछ दिया है, अब नाउ इट्स माई टर्न कि मैं झारखंड को कुछ वापस दूँ. और छौ से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था, तो मैं चाहती थी लोग जाने. और मुझे कॉस्ट्यूम मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर जब मैं गई और जमशेदपुर के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ सारे लोग अलग अलग ट्रूप्स में दे आर परफॉर्मर्स और वो लोग छौ ही परफॉर्म करते हैं, वहीं उनका लाइवलीहुड है. और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे यही करना है, मैं यही रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. और कोविड की वजह से उनके बहुत सारे लॉसेज हुए हैं लाइवलीहुड में. और जब मैं उनसे मिली तो वो लोग इतने डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने मुझे इतना वेलकमिंग फील कराया और अपने जैसा फील कराया. मुझे लगा कि ये सिर्फ कॉस्ट्यूम की बात नहीं है, इट्स अबाउट कि उन लोगों ने मुझे क्या फ़ील कराया और मैं वो रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि लोग ये देखें कि झारखंड सिर्फ मिनरल एक्सट्रैक्शन का स्टेट नहीं है. देयर इज़ लॉट ऑफ टैलेंट हियर एंड पीपल आर अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू पुट आउट ऑन स्टेज. तो उनसे जब आप मिली तो उनका छौ नृत्य आपने देखा? मैंने देखा है उनका छौ और मैंने पहले परफॉर्म भी किया है. अच्छा. और मतलब स्कूल में जब यूथ फेस्टिवल में गई छौ नृत्य आपने परफॉर्म किया? हाँ. तो मैं बहुत डीपली कनेक्ट हूँ, मैं डांस से बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ. मैंने कथक भी सीखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं वो दिखाना चाहती थी. मैं चाहती हूँ कि पूरी सिर्फ इंडिया के लोग नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग जाने कि ऐसा कुछ है और झारखंड में और बहुत वाइडली किया जाता है. आपने ये सोचा और ये सपना देखा तो क्या लगता है आज जिस जगह पर आप हैं ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है? ज़रूर ज़रूर ये सपना ज़रूर पूरा होगा. और मैं श्योर हूँ जब मैं इंटरनेशनल जाऊँगी तब भी मैं बहुत हद तक जो मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम होगा उसमें कहीं ना कहीं झारखंड की झलक ज़रूर होगी. और मैं ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगी हर उस इंसान को जिसने मुझे सपोर्ट किया है और मेरे स्टेट को और मेरे नेशन को, ताकि वर्ल्ड को पता चले कि ऐसी बेहतरीन चीज़ें भी होती हैं.
जैसे जब कोई ब्यूटी क्वीन बन जाती है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल फेमस हो जाती है, तो उनका रुख बॉलीवुड की तरफ हो जाता है, ग्लैमर की तरफ हो जाता है, आपका इरादा क्या है? मेरे एक्टिंग स्किल्स बहुत बुरे हैं और मुझे याद है मेरी बहन मुझे कहती है कि तुम कुछ भी कर लेना स्टेज पे, एक्टिंग मत करना। तो मुझे लगता है मैं बहुत हद तक बॉलीवुड की तरफ नहीं जाऊँगी, उतने ऐसे स्किल्स नहीं है मेरे, बट आई लव मॉडलिंग, आई लव परफॉर्मिंग, आई लव बीइंग ऑन स्टेज, सो आई विल बी मोर ऑफ अ परफॉर्मर देन गोइंग इनटू द एक्टिंग इंडस्ट्री। जब आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं और झारखंड के कल्चर को साथ लेकर उनकी एक तरह से ब्रांडिंग कर रही हैं, तो आपको देखकर बहुत सारे जो मेल फीमेल मॉडलिंग करना चाहते हैं और कुछ ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब आप जाने लगेंगे इस फील्ड में तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसा होता है वैसा होता है, तुम बहुत छोटे शहर से हो तुम नहीं जा पाओगे। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर रूट्स, बिलीव इन एवरी थिंग दैट योर पेरेंट्स हैव टॉट यू, बिकॉज एट दी एंड जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको वही चीज़ सबसे अलग करेगी। तो हमेशा याद रखना कि आप कहाँ से आए हो और हमेशा याद रखना कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, और उन वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएगी आगे बढ़ने से। अभी जब आपने ये खिताब जीता है तो अभी दो दिन पहले आपने कुछ गाँव का भी विजिट किया है। क्या की जाने का पीछे मकसद क्या? वो एक्चुअली वो वही गांव है जो मैं बता रही, जमशेदपुर के पास एक गांव है जिन्होंने मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम तैयार किया था। मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम कुछ और था, पहले मैं कहीं और से रिसोर्स करने वाली थी, उन्होंने दो दिन में मेरा पूरा कॉस्ट्यूम, आपने पिक्चर्स देखे होंगे, और वो दो दिन में उन्होंने पूरा कॉस्ट्यूम बना दिया और मैं वहाँ गई उनसे मिली, और मैं जीतने के बाद सबसे पहले उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती थी। मैं स्टेज पर जैसी भी दिख रही थी वो उनके वजह से दिख रही थी, तो मैं बस उनको जाके थैंक यू बोलना चाहती थी कि आपने मुझे बिना जाने आपने मेरा इतना सपोर्ट किया है, तो मुझसे जितना हो सके मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। जब आपने उनको थैंक यू बोला तो उनको क्या महसूस हुआ, क्या वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको क्या महसूस हुआ। वो खुश थे बहुत, और जब मैं जा रही थी उन्होंने बोला था कि आप ज़रूर जीतोगे और जो छौ लेके जाता है बाहर वो ज़रूर जीतता है, और वो एक चीज़ मेरे जहन में थी और मैं सिर्फ अपने लिए या अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, मैं उनके लिए जीतना चाहती थी, और जब मैं जीत गई तो मैं बस उनसे जाके मिलना चाहती थी एक बार कि मैं जाके मिल सकूं, कि उनको मैं बता सकूं कि आपने मुझे बोला मैं जीतूंगी और मैं बस आपके लिए जीत कर आई। आखिर में आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स से कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हर इंडिविजुअल बहुत अलग होता है, सबकी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं अपनी बुराइयाँ होती हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, देर विल बी डेज वेर यू वोंट वॉन्ट टू वेक अप, देर विल बी डेज वेर यू वॉन्ट टू डू सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव लव टू डू, जस्ट कीप गोइंग बिकॉज वैन यू लुक बैक इट विल बी ऑल वर्थ इट। थैंक यू तान्या, थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे तान्या सिन्हा से, इन्होंने मिस ग्लोब इंडिया जीता है और झारखंड की पहचान को साथ लेकर ये मुकाम हासिल किया है। तो अगर आप झारखंड के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ की हर चीज़ को आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सोच को ऊंचा कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना चाहिए बस। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबरें।